दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बोरो। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 104.28। पिछले हफ्ते यानी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में जो डॉलर इंडेक्स मूव किया, 105.10 ऑन द हायर साइड एंड 103.91 ऑन द लोअर साइड। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है। ये स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है? लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर बाइंग कंटिन्यू। अगर हम डेली प्राइस सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे थर्सडे एंड फ्राइडे का जो एक टिपिकल कैंडल्स बनाया हुआ है, थर्सडे के दिन में हैमर कैंडल बनाया हुआ है एंड फ्राइडे के दिन में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है। दिस टू आर मेकिंग द टिपिकलिटी अबाउट द प्राइस एक्शंस। इसका मतलब क्या है? हैमर के लो के नीचे यानी 103.90 के नीचे सेलिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एंड 104 इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर, दैट मींस योर 104.70 के हाई के ऊपर बाइंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में भी जो प्राइस एक्शन, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एट सपोर्ट लेवल। इसका मतलब क्या है? हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट में आएंगे तो क्या देखेंगे? थर्सडे एंड फ्राइडे को, थर्सडे को इन्वर्टेड हैमर एंड फ्राइडे को एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, उल्टा पुल्टा सेटअप, जिसके कारण हाई के ऊपर यानी इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर बाइंग एंड इन्वर्टेड हैमर के सेल के नीचे लो के नीचे सेलिंग आर एक्सपेक्टेड। लेकिन नीचे के तरफ सपोर्ट लेवल से सो नीचे के तरफ ज्यादा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन हाई के ऊपर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर वीकली पे। जीबीपी आईएनआर आल्सो सिम एक, ये नॉट स्पिनिंग टॉप कैंडल, इट्स अ डोजी कैंडल। सो हाई के ऊपर कंटिन्यूएशंस ऊपर की तरफ एंड लो के नीचे सेलिंग, लेकिन लो के नीचे भी एक बाइंग एरिया आ रहा है। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, सिमिलर एनालिसिस। अगर हम डेली में देखेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉलोड बाय हैमर, सो इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर बाइंग एंड हैमर के लो के नीचे सेलिंग इज एक्सपेक्टेड। सो हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स कौन से डायरेक्शन में कैंडल प्राइस भी है मूव करते हैं। अगर यूरो आइनर देखेंगे, यूरो आइनर जो वीकली है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, हाई के ऊपर बाइंग लो के नीचे सेलिंग, लेकिन हाई के ऊपर इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है, लो के नीचे भी एक बाइंग जोन है। सो बेसिकली यूरो आइनर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर डॉलर येन देखेंगे, एक स्मॉल बॉडी रेंज कैंडल बनाया हुआ है विद अ लो इंट्रा वीक लो ऑफ 150.80 एंड हाई ऑफ 151.95। अगर डेली प्राइस एक्शंस देखेंगे, साइडवेज कंसोलिडेशन। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन, इट्स अ कंसर्न। क्यों कंसर्न है? ये कंसोलिडेट कर रहा है एट टिपिकल रेजिस्टेंस लेवल, यही एक कॉन्सर्न है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए था, रदर नीचे की तरफ सेल ऑफ होना चाहिए था, जो हमें दिख नहीं रहा है। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर बीओजे थोड़ा सा भी लूज हैंड करते हैं इन सच केस, डॉलर इन में एक अच्छा खासा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन आईएनआर पे सिमिलरली ये लोअर लेवल पे बेस आउट कर रहे हैं। अगर डॉलर येन 152 के ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं, बीओजे स्टॉप्स डिफेंडिंग द येन डेप्रिसिएशन इन सच ए केस, येन आईएनआर पे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी का जो वीकली चार्ट है वो क्लोज दिया है 1.3588। सो यहाँ पे ऊपर की तरफ 1.36, 1.3625 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ 1.3350। जब तक इस आइदर साइड में ब्रेकआउट नहीं करते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते का कैंडल भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, सो हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑसी डॉलर, यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है इन ए रेंज। ये रेंज जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सीएनएच, सीएनएच आपका 7.2475, ये एक ऊपर की तरफ 7.29 इज क्रूशियल। जब तक पीबीओसी इज डिफेंडिंग ये यूएन डेप्रिसिएशन तब तक अच्छा है, रूपी के ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन बाय चांस कोई कारणवश सडनली ये 7.29 के ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं इन सच केस, आपका रूपी में भी भयंकर एक डेप्रिसिएटिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर वीकली में जो क्लोज दिया है, एक अपवर्ड बायस के साथ क्लोज दिया हुआ है, ये आपका
जो 91.17 में क्लोज दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस है। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है 93.30, 93.50 का है, उसको भी अगर तोड़ते हैं तो 97.60, 97.80 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी इस रेजिस्टेंस जोन पे क्या हमें एम पैटर्न मिलता है, तभी जाके हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज बाई डिप्स के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। यूएस 10-year ट्रेजरी ये फ्राइडे के वीकली जो क्लोज दिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 4.404 पे क्लोज दिया है। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। ओनली वन रेस्पाइट इज RSI इज एट 56.69, क्या ये 60 में रेजिस्टेंस लेता है, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है। यानी यूएस 10-year ट्रेजरी अगर हायर टेरिटोरी में मूव करने का चालू करेगा, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न्स डाउन लाइन 2-3 months डाउन द लाइन यूएस इकोनॉमी में 2-4 बैंक लुढ़कने का इंतजाम कर सकता है। यानी 2-4 स्मॉल साइज बैंक का डिफॉल्ट होने का फिर लंबा प्रोसेस चालू होने का एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, जिसके कारण ग्लोबली कुछ डैमेज हो सकता है। सो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यूएस 2-year ट्रेजरी ये भी काफी वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, इट क्लोज एट 4.753। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वहीं पे आके क्लोज दिया है। हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। इन सच केस काफी स्ट्रेस आएगा यूएस मार्केट में, स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर्स में, जो अगर लंबा खींचता है, लंबा खींचने का मतलब 3-6 महीना अगर ये एक्सटेंड होते हैं फर्दर, देन इट इज गोइंग टू पुट रियली पुट स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जो अल्टीमेटली हमारा इंडियन इकोनॉमी में उसका रिकवरी रिपरकशन हम देख सकते हैं। कि डॉलर रुपी का जो वीकली क्लोज है ये आपका 483.27 पे क्लोज दिया हुआ है। ये जो कैंडल बना हुआ है एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, लवली कैंडल है। जैसे ही ये 83.25 के नीचे सस्टेन करेगा तो हमें एक एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं टूवर्ड्स 82 से 83.20। आप अगर हमारा फ्राइडे का प्री मार्केट एनालिसिस नहीं, थर्सडे का प्री मार्केट एनालिसिस देखो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था 83.28, 83.35 जो है एक टेम्पोररी सपोर्ट हो सकता है इंट्राडे पर्पस में, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी हवा बदल सकता है, जिसके कारण रुपी कभी भी फर्दर एप्रिशिएट होके मे बी कमिंग डाउन टूवर्ड्स 83-83.10 हो सकता है। सो ऊपर की तरफ आपका 83.50, 83.70 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, नीचे की तरफ 82.80 से 83.00 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लो। इस रेंज के अंदर में डॉलर रुपी बिहेव करेगा। ऊपर की तरफ हमें इंटरवेंशंस पार्ट को देखना है, एल्सो क्या देखना है, सीएनएच को देखना है, और क्या देखना है, डॉलर इंडेक्स को देखना है। सो क्या वो साइमल्टेनियसली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या नहीं, एंड ऑल्सो हाउ द इनविजिबल हैंड्स आर इंटरवीनिंग हाई हैंडेडली और नॉट। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थ्री फैक्टर्स अंडर कंट्रोल, रुपी इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विद इन 83-83.10 ऑन द लोअर साइड एंड 83.30-83.40 ऑन द हायर साइड। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।